हेलो गाइस, ये वीडियो एक्चुअली मैं पहले अपलोड कर चुका था बट यूट्यूब ने किसी कारण इस वीडियो को डिलीट कर दिया था, तो मैं इसे दोबारा अपलोड कर रहा हूँ। तो आई होप यू विल लाइक द वीडियो। और दूसरी बात, आपकी सपोर्ट और प्यार की वजह से हमारा चैनल भी मोनेटाइज्ड हो गया है। इसका मतलब है कि मेरे वीडियोज़ में भी अब से एक या दो एड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो प्लीज़ जो भी एड्स आए उनको स्किप ना कीजिए, ताकि मुझे मेरा खर्चा पानी भी मेरा चलता रहे। और अगर आप स्किप कर देंगे तो वो ऐड काउंट नहीं होगा और मुझे उसका कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपका सपोर्ट और प्यार इसी तरह से बरकरार रहे। शक्ल देख के तो मालूम चल ही रहा होगा कि क्या हालत है मेरी इस टाइम। इस टाइम बज रहे हैं रात के 12:30। मैं हूँ एक दूसरे देश में और मेरे साथ हो गई एक चोट हो गई ये कि मैं गया था एक फेयर अटेंड करने के लिए, जिस काम से मैं यहाँ पर आया हूँ अर्जेंटीना। फेयर ख़त्म हुआ टाइम से, उसी लॉकर के अंदर मैं अपनी अपार्टमेंट की कीज़ भूल गया, हो गई एक चोट। अब बज गए 11:30। फ़ोन की बैटरी थी जस्ट 5%। इतने में आया घर से फ़ोन कि मैंने बोला कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई, कोई बात नहीं, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, मैं सॉर्ट आउट कर लूँगा प्रॉब्लम। बट 11:30 से अब बज गए 12:30। मैंने सोचा तो शायद कोई सस्ता हॉस्टल मिल जाए, नथिंग इज़ देयर, सब बंद। फ्रेंड्स हैं, मेरे फ़ोन ख़त्म, बैटरी ख़त्म, कोई कांटेक्ट नहीं कर सकता। फिर मैंने सोचा चलो जान ज़्यादा प्यारी है ये पैसे, तो होटल गया पूछने के लिए, तो 3-star होटल सलाम मांग रहा है 4,000 रुपये। पैसे निकाले तो पैसे थे नहीं, जस्ट 1,000 पैसों से मेरे पास में, और रूम है 2,000 पैसों का, मतलब 4,000 रुपये का एक 3-star होटल का। मैंने बोला भाई रूम दे दे, तेरे को चेकआउट टाइम में, मैं चेकआउट करने से पहले तेरे को पैसे दे दूँगा। नहीं, इस होटल में आया, ये देखिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे साथ हो चुका है भाई व्याम होते, यहाँ पर भी ये थोड़ा 5-star होटल है तो ये 6,000 पैसों मांग रहा है। आई डोंट हैव, मतलब सिर्फ 9-10 घंटे के लिए पैसा वेस्ट करना, इस पैसा वेस्ट करना है, तो लेट्स सी व्हाट टू डू। Dame 10 minutos, si pienso ahí. Dale, ok. Gracias. Para ayudarte, ¿viste? De alguna manera. Gracias, muchas gracias. Soy Yebanda, thanks a lot to him. Bichara, bola, main aapki help karna chahta hu. Aur isne 4,200 pesos bole, jo ki 8,000 rupaye hain ek night ke. बोला हम तेरे को 3,300 में दे देंगे जस्ट तेरी हेल्प करने के लिए। तो मैंने बोला चलिए मैं देख के बताता हूँ, सोचता हूँ बताता हूँ। एक्चुअली सेफ नहीं है बाहर रहना, मैं फिल्म में वीडियो बना रहा हूँ। बोल रहा है कि आप स्ट्रेंजर हो, आप फॉरनर हो, तो आपको होटल्स के जो टैक्सेस लगते हैं 21% वो आपको नहीं लगेंगे क्योंकि आप फॉरनर हो। 2,700 भी ज़्यादा है यार, 2,700 भी ज़्यादा है। रात के 1:00 बुएनस आयरस में सड़कों पे सूटकेस के साथ, ये देखिए सूटकेस के साथ कैमरा लेके बाहर घूम रहा हूँ। यू शुड हैव गट्स होने चाहिए।
कैसे कैसे इंसिडेंट हो जाते हैं। रात बिताना पार्क में इज नॉट अ गुड आइडिया, इट्स नॉट सेफ। साउथ अमेरिका में एक्चुअली इस टाइम आप घूम रहे हैं कैमरा लेके, बिल्कुल भी इट्स नॉट अ गुड आइडिया। सर्दी सो फाइनली पहुंच गया हूँ एक होटल में। इस होटल से मैं गुजर के गया था यहाँ से, बट उस टाइम इनके पास रूम नहीं था और ये समथिंग चार्ज कर रहे थे 2,300 पेसोस जो कि है 4,600 रुपीज़। उस टाइम इनके पास रूम नहीं था। उस टाइम उन्होंने बोला कि अगर हमारे पास कुछ रूम बचता है तो हम बता देंगे, बट अभी कोई रूम नहीं है। तो मैं यहाँ से चला गया था उस टाइम। आगे गया, दूसरा होटल देखा, उसमें कोई रूम नहीं। तीसरा होटल देखा, उसमें कोई रूम नहीं। फिर होटल प्रेसिडेंट भी गया, उसने 3,500 पेसोस मांग रहा था वो, जो भी 7,000 रुपये हैं मेरे पास। कंप्लीट वेस्टेज मनी है, 7,000 रुपये तो काफ़ी ज़्यादा थे फॉर 5-6 घंटे के लिए सिर्फ। मैंने उनसे पूछा कि मैं लॉबी में बैठ सकता हूँ क्या। उन्होंने मुझे बोला कि यस आप बैठ सकते हैं। वो साफ सफाई करने लग गए वो लॉबी की, तो उन्होंने बोला कि आप रुक रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने नहीं, तो सर हमने बोला हमें साफ सफाई करनी है। मैं समझ गया, तो वहाँ से निकल लिया। फिर वापस मैं यहाँ पर आया तो फिर फाइनली मुझे वो जो रूम बचा हुआ था, ये वाला रूम, ये मुझे लेना पड़ा 1,800 पेसोस अर्जेंटिनोस, 3,600 रुपीस इंडियन रुपीस। 8 घंटे अब तो शायद 6 घंटे रह गए 6 घंटों के लिए, बट इट्स नॉट सेफ बाहर है ना, इट्स नॉट सेफ। उस टाइम कोई भी यहाँ पर ना तो कैफेटेरिया था खुला हुआ, ना कोई बार था खुला हुआ, तो यू कांट, वो ऑप्शन तो है नहीं। द डे एंड्स। चलिए सीख ये मिलती है कि प्लीज़ कभी भी अपनी चाबी, अगर आप अपार्टमेंट बुक कर रहे हैं, रेंट पे ले रहे हैं, तो प्लीज़ चाबी कभी मत भूलिएगा। होटल में रह रहे हैं तो होटल में चांसेस हैं कि आपको दूसरी चाबी मिल जाएगी, बट अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो देर इज़ नो चांस कि कोई आपको दूसरी डुप्लीकेट चाबी दे देगा। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।